अब पहला स्टॉल करो बंदा को तो लास्ट के कुछ बुलेट हेड कनेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण वो बंदा जल्दी से नॉक हो जाता है, लेकिन उसके जस्ट बाद ही ये वहां से आता है। तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर सारा दामोदर टीममेट पे आ जाएगा दारोमदार। फिलहाल के लिए इंट्रो पे फोकस करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज का स्वागत है कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। चलो मैच में आप कहते हैं डुओस स्क्वाड दिवांशु के साथ, और आज यहाँ पर मैं फिर से आ चुका हूँ स्टेडियम के अंदर। बताते हैं कि मेरे को ये वाली गन मिलती है और जस्ट सामने ये बंदा मिलता है मेरे को। अभी इस वाली चीज में भाई इस बंदे का कोई भी दोष नहीं है, मतलब इस बंदे की किस्मत ही इतनी ज्यादा खराब होती है ना, ये बंदा भी कुछ नहीं कर सकता था और हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब मार नहीं था। तो इसे नॉकर फिनिश करते हैं साथ ही साथ, और उसके जस्ट बाद यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है नीचे, क्योंकि भाई दो दो स्क्वाड जो है तो भाई तबाही का अंदाजा आप लोग लगा सकते हो, और मतलब मजा भी आने वाला आप लोगों को स्टेडियम में ही। फिलहाल फाइट स्टार्ट हो चुकी थी बंदों की। हेलो गाइस, क्या आप रेडियो मेरे साथ लूडो गेम खेलने के लिए? तो डाउनलोड करो प्ले स्पोर्ट ऐप और हो जाएगा एक मैच, और आप यहां पर मुझे चैलेंज कर 50 लाख रुपए तक जीत सकते हो, वो भी डेली। अब प्ले स्पोर्ट्स पे आपको और भी मजेदार गेम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहां पर मेरी फेवरेट लूडो तो है, साथ ही मैं आपको यहां पर स्नेक्स एंड लेदर्स, शिप फाइट, होजी क्विज, चेस और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे बहुत ही मजेदार गेम्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप भी अपने प्ले स्पोर्ट्स पे अपनी फेवरेट गेम खेलकर जीत सकते हो 50 लाख। तो घर बैठे बोर मत होइए, दिखाइए अपना लूडो स्किल्स ऑन प्ले स्पोर्ट और जीतिए लाखों में। साथ ही प्ले स्पोर्ट है बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन, तो आप इसे बेफिक्र होकर यूज कर सकते हो। साथ ही पेटीएम विड्रॉल के लिए आपको कोई भी केवाईसी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सीधा अपने पेटीएम से या फिर बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। और 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स रेगुलर इसमें गेम्स खेलकर जीत रहे हैं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड को चैलेंज करके बन रहे लखपति। सो अब जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो एंड यूज करो मेरा रेफरल कोड PALYS200 और कमाओ लाखों में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और तभी मेरे को ये दिखता है जिस मामा ने की ट्राई तो पूरी करता, मतलब दे प्री फायर, लेकिन फिर भी ये बंदा बच जाता है, बंदे की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है। फिलहाल पर दीवांशु के ऊपर कुछ बन देता भाई, घुसते और बचाते हैं। अब इस वाले बंदे की किस्मत यहाँ पर आके इसका साथ छोड़ देती है और बंदा इजीली नॉक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ क्योंकि फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को। लेकिन इस वाले हमले के बाद ना यहाँ पर मैं दोबारा नीचे जाता ही नहीं, मतलब चार के चार बंदे नीचे से फायर करते हैं और फुटस्टेप भी देख लो चार ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कंफ्यूज था कि भाई अगर वो बंदे हमारे ऊपर अभी पुश करते हैं तो एमओ भी देख लो यार कितनी है, और हेलमेट वैसे तो है ही नहीं, तो भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पर सर्वाइवल। अब यहाँ पर बस एक बात अच्छी की भाई बंदों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर दीवांशु नॉक पड़ा, वरना वो मैं पुश करके इजीली निपटा सकते थे। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को एमओ चाहिए थी थोड़े बहुत गन्स के, तो यहाँ पर मैं एमओ ढूंढने लग जाता हूँ छत के ऊपर। अब जब तक हम लूट करे थे भाई वो बंदे भी नीचे की तरफ पता नहीं मतलब क्या ही करते, मूवमेंट दिए जाते और लूट करे जाते, शायद उन बंदों को ये पता था कि हम छत के ऊपर है, लेकिन भाई फिर भी वो बंदे पुश नहीं करे थे क्योंकि इन बंदों के हालात जो थे ना मतलब काफी ज्यादा खराब चल रहे थे, क्योंकि वो बंदे सारे के सारे लो थे, मतलब शायद से दूसरे स्क्वाड के बंदे थे ना उन्होंने मतलब इनसे फाइट लोगी और ये बंदे लो हैं ऑलरेडी, तो इन बंदों को ज्यादा मारना नहीं पड़ रहा था। फिलहाल दो बंदे नॉक है और यहाँ पर मैं एक को फिनिश भी कर दिया, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो वहाँ पर मतलब रिवाइव कर देते एक बंदे को। तो भाई मेरे को एमो ढूंढनी थी यहाँ पर कैसे भी, क्योंकि दोनों गन्स में एमो देख सकते हो, मतलब 5-5 बची थी, तो भाई इनसे तो कुछ करा नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर हम फटाफट से मतलब सिर्फ मैं पीछे की तरफ आता हूँ, फॉल बैक करता हूँ थोड़ी सी लूट के लिए, और इसी बीच बंदा रिवाइव भी हो जाता है। अब यहाँ पर मैं मानी के ट्राई तो पूरी करता हूँ, लेकिन भाई एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती, और अगर एक बुलेट कनेक्ट हो जाए तो सारे वाले बंदे को, तो भाई बंदा इजीली नॉक हो जाता। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट एड मारता हूँ और हेलमेट वेस्ट तो मिल ही चुका था, और तभी वो बंदा गुजरते हैं यहाँ से, तो मैंने कुछ बुलेट्स कनेक्ट करे लेकिन बंदा नॉक नहीं होता, तो इसका एक ही मतलब था कि बंदे ने फर्स्ट एड मार लिया था यहाँ पर। तो भाई मेरे को जैसी अब यूजी मिलती है मैं फुल कॉन्फिडेंस में घुसता हूँ, क्योंकि भाई आपको यूजी के बारे में पता है, तो भाई इसको हाथ में उठाने का बाद ना क्लोज रेंज में काले की कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन शुरुआत में बस, क्योंकि लास्ट में लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट ना बहुत परेशानी खड़ी करते हैं। अब सामने की तरफ बंदा दिखता है जिसे मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा कवर में चला आता है। अब मैं बिल्कुल ओपन में पुश कर रहा था, अब जब इस बंदे ने यहाँ पर पुश किया मेरे ऊपर तो भाई मैं गन रिलोड कर रहा था, वो तो अच्छे टाइम पे मेरी गन जो है पूरी रिलोड हो जाती है, और मैं इस बंदे को इजीली नॉक मतलब फिनिश कर देता हूँ। और इसके बाद आप लोग जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ, और अगर आप लोगों ने इस बात को इग्नोर किया ना तो भाई मतलब सच बता रहा यार गुस्सा हो जाऊंगा मैं, तो भाई फटाफट से जाओ इस वाले क्लियर स्टेडियम क्लियर के बाद, मजा आया आप लोगों को मुझे मालूम है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, 5 सेकंड लगे करके आ जाओ फटाफट से, और जिसने लाइक नहीं किया अपने भाई लोगों ने लाइक कर दो।
और जो अभी तक इग्नोर करके बैठ के अभी तक इस वीडियो को देख रहे ना भाई, तुम्हें से बोल रहा हूँ करके आ जाओ सब कुछ, मतलब सब्सक्राइब एंड लाइक। फिलहाल उसके बाद यहाँ पर सभी बंदों को निपटाने के बाद लूट की कमी थी थोड़ी बहुत, तो थोड़ी देर लूट करते हैं। और उसके बाद गन साउंड आ रहे थे मैं सामने की तरफ, मतलब विलेज साइड से या फिर मतलब जंक यार्ड बोल सकते हो, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि भाई एग्जैक्टली साउंड आ कहाँ से रहा है। तो भाई जो भी हमने मतलब ऐसे एक प्रेडिक्शन कर लिया था कि भाई साउंड राइट साइड से आ रहा है, तो यहाँ पर मैं निकलने के फुल मूड में था, दिवांशु को कॉल दे रहा था कि भाई आ जा, लेकिन ये मुझे उल्टा कॉल देता कि भाई यहाँ पर स्टेडियम में एक बंदा आ चुका, मतलब उसे कुछ फुटस्टेप आ रहे हो, एक रियल बंदे के। तो यहाँ पर मैं चक्कर निकला था, आप भी सुनो फुटस्टेप। और शायद से आप लोगों ने फुटस्टेप सुने होंगे, तो यहाँ पर ये बंदा शुरुआत में तो मतलब फुटस्टेप दे रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर होती है मतलब मैं इस वाली जगह पर आ, तो बंदा फुटस्टेप देना बिल्कुल बंद कर देता है। तो इसके पास दो ही रीजन थे, मतलब दो ही रीजन हो सकते थे, या तो बंदा यहाँ से भाग चुका है मतलब कैसे भी बीच बीच का रास्ता देखकर निकल गया यहाँ से, या फिर बंदा एक जगह किसी कमरे वमरे में जाकर बैठ के कैंप करने लग गया है। तो यहाँ पर मैं ढूंढने के मतलब पूरी ट्राई करता हूँ कि बंदा मतलब भाग भाग तो नहीं गया यहाँ से, लेकिन बंदा मेरे को मिलता नहीं, तो वापस से मैं अपने बगी के पास जाता, लेकिन तभी अब याद करो पिछले कुछ दिन पहले एक मैच में यहाँ पर एक दीदी आके बैठ चुकी थी, वो भी आरपीजी के साथ, वो भी ऐसे लेकर बैठी थी ना कंधे पे, तो भाई मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मुझे लगा कि भाई उनका भाई आया फिर मतलब कुछ और हो सकता, कमेंट में बताना मुझे क्या था, लेकिन जो भी मतलब अच्छी चीज़ लिखना यार भाई, कुछ भी लिख देना ठीक है। अब उसके बाद मैं गाड़ी में आता हूँ, क्योंकि इग्नोर करते हैं, फालतू की बकवास नहीं करनी यार, मतलब बंदे पर फोकस करते हैं। अब इससे पहले कि मैं फोकस करता भाई उन बंदे के ऊपर, भाई उन्होंने मेरे ऊपर फोकस कर लिया, तो भाई देखते इनको। अब वो शायद सिर्फ प्योर से फाइट कर रहे थे, क्योंकि भाई मतलब उन बंदों का ध्यान मेरी तरफ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि भाई जब मैं इस बंदे को मारा था तो बंदे किसी और पे फायर कर रहा था। तो भाई यहाँ पर मैं बिल्कुल लेफ्ट फ्लैंक लेता हूँ और क्लोजिंग कर लेता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ सामने की तरफ बहुत ही क्लोज में एक बंदा दिखता है, कुचलने का ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन बंदा बच जाता है उसके जस्ट बाद ही बस। देखो अब पीछे से दूसरे स्क्वाड आ चुके हैं, उन्होंने इस वाले स्क्वाड के लास्ट बंदे को निपटा दिया, तो भाई इसी के साथ मेरे को सारे के सारे किल्स कंफर्म हो जाते हैं। और अब बारी थी इन बंदों की, अब दिवांश यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि मैंने स्केच पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मतलब वो चिल्लाता का चिल्लाता ही रह गया। फिलहाल सामने की तरफ बंद देते हैं, यहाँ पर मैं एक नेट फेंकता हूँ और मुझे पता था कि मुझे बस एक मतलब बगी को फोड़ना और वो बंदे अपने आप बगी के आसपास ये तो भाई फिनिश हो जाएंगे, लेकिन भाई इस वाले नेट की जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो मैं एक और नेट उठाता हूँ और फिर देखता हूँ उन बंदों को। अब नेट से ये दोनों बंदे फट जाते हैं और भाई राइट साइड ये बंदा आता है जिसे मैं एम4 से निपटा देता हूँ और लगे हाथ साथ ही साथ फिनिश भी कर देता हूँ। उसके जस्ट बाद यहाँ पर कहीं से M24 का शॉट आता है मेरे ऊपर, तो मतलब मेरे बग्गीज के ऊपर, और जैसे वो बंदा थोड़ी देर फायर करता है मतलब एक दो शॉट्स और फायर करता है, मेरे को उस बंदे की लोकेशन का बिल्कुल आइडिया हो जाता है। तो बस बंदे को बस देखना कैसे निपटेंगे उस बंदे से, मतलब थोड़ी सी फाइट लंबी चलने वाली है, तो बस इन्जॉय करना क्योंकि लास्ट का बंदा है और मतलब हम दोनों ही जोन के बाहर थे, तो भाई किसी के पास एडवांटेज था नहीं। अब बस एक एडवांटेज मेरे को था कि यहाँ पर मेरे पास एक बग्गी थी, मतलब दो दो बग्गी थी, लेकिन उस बंदे को ये बात हजम नहीं होती, मतलब उस बंदे को भी आइडिया था कि अगर मैं यहाँ से बग्गी लेकर जोन में चला गया तो उस बंदे का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दूर से ही M24 चला के मेरे ऊपर नहीं मतलब मेरी बगेज को फोड़ा था, मतलब टायर्स फोड़ा था उनके, और बंदे यहाँ पर अपने दिमाग का तो पूरा यूज़ कर रहा था, लेकिन बस लास्ट में देखना दोनों के पास एक ही सिचुएशन होती है और हमें बस फाइट लेके कैसे भी चिकन निकालना था, तो भाई फाइट होती हमारी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्मोक कह देता हूँ, क्योंकि भाई मतलब दो दो स्मोक कह देता हूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि बंदा बैक टू बैक फायर करे जा रहा था, टायर फोड़े जा रहा था, और मेरे को आगे वाली बग्गी मतलब फर्स्ट वाली बग्गी सेफ लग रही थी, क्योंकि भाई इसके तो दोनों टायर फट चुके थे, मतलब तीनों फट गए थे उस बंदे ने। और अब बारी थी इस बंदे को मतलब इस वाली बग्गी को चेक करने की, तो यहाँ पर बिल्कुल स्मोक में मेरे को दिख नहीं था कि भाई टायर बचे भी हैं या नहीं, लेकिन जैसे ही मैं स्मोक से बाहर निकलूँगा बस देखना। और भाई साहब स्वैग देखो इसका, मतलब क्या ही बोला जाए। और अगर यहाँ पर मैं धूम का कोई गाना लगाया था ना इस वाले बैकग्राउंड में, तो भाई मतलब अलग ही फील आता। फिलहाल उसके बाद मैं फर्स्ट एड मारता और बंदा नीचे की तरफ कूद जाता, इसका मतलब ये था कि भी वो बंदा जोन में जाने की ट्राई कर रहा है, और उसे ये लग रहा था कि मैं जोन की तरफ निकल चुका हूँ।
और इस बंदे को निपटाते के साथ ही मिल जाता मैं चिकन। यार देखो यहाँ पर सीन करते कि जैसे मैं बग्गी लेकर निकलता हूँ, उस बंदे को लगता है कि मैं बग्गी लेकर सीधा जोन के अंदर निकल चुका हूँ, और वो बंदे भी मतलब छतवत से कूद के नीचे की तरफ जोन में आने की ट्राई करता है, लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता था कि यहाँ पर मैं आकर रुक चुका हूँ। और वो बंदा बिल्कुल ओपन में फंस जाता है, और मतलब थोड़ी सी बॉडी पार्ट दिख रहा था उसका, लेकिन भाई उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स में कनेक्ट करके उस बंदे को ईजिली निपटा देता हूँ। तो कई सीटेज की गेम प्लेट मैं कैसे लगी वीडियो कमेंट कर दो, बताना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, चल पाना तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर ऐसी तबाही भरी गेम प्लेट वीडियो देखने को मिल जाए। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।